हमारे श्रद्धामयी पूज्य माता जी ने ये योग कवल नाम का एक संवेदनाओं का एक पुष्प एक उपहार समाज को दिया है, उसके लिए मैं श्रद्धामयी पूजाश्री जी को अभिनंदन करता हूँ। योग का अर्थ जो हमारे भीतर प्रकृति ने सहज रूप में जो ज्ञान संवेदना और सामर्थ्य विभूति जिसको योग के भाषा में एक दिव्य ऐश्वर्य कहा जाता है, वो जो दिया होता है हर एक इंसान को, उसको जानना, उसको जगाना और उसके द्वारा फिर जीवन में पूर्णता पाना, तो यह एक क्रम है इस अध्यात्म के अभिव्यक्ति का। और उस आध्यात्मिक दिव्य संवेदनाओं को एक सशक्त अभिव्यक्ति दी है पूजा श्री जी ने, तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और ये ऐसे ही खूब यशस्वी हों और योग इनके पूरे अस्तित्व में पूरी तरह से घटित हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जी मैं बहुत दिनों से रिसर्च तो बहुत करना पड़ा, लेकिन बहुत दिनों से मैं देख रही थी कब मिलना होगा, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और वो भी निस्वार्थ निष्काम भाव से, उनसे मिलने की मेरी प्रबल इच्छा थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और उसमें उद्योग को लाना और संत का उद्योग में उद्योग लाना बहुत असंभव, हम समाज को समझा नहीं सकते ये सब सब्जेक्ट सारे विषय, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल जो योग से भी आगे निकल गया। तो मेरी इच्छा थी कि वो ही करें तो अच्छा ऐसा। इसके अलावा से राम मंदिर का लाया हुआ है, ठीक है बुक रिलीज करानी है आपसे। हाँ कर रहा हूँ। मैंने योग के ऊपर गीत और कविताएं पहली बार रचनाएं, तो जितने भी अपने योग के आप तो विश्व योगी हैं तो आप तो जानते ही हैं सारा, क्योंकि पतंजलि में तो सारा ज्ञान है और आप तो सीख ही रहे हैं सिखा भी रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ कुछ कुछ योग के ऊपर क्या करना, तो ऐसे ही करते करते अचानक मन हो गया योग कवल उसके ऊपर रचना ही, जितने भी विषय हैं इसमें चाहे वो सामाजिक हो पारिवारिक हो झगड़ा तो योग और चाहे प्रेम हो चाहे समाज हो देश हो हमारी अभिव्यक्ति उनके ऊपर रचना ही योग को लेकर यशस्वी हो आप भी और आपका यह जो गीता का
हो गया अभी।